हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी, और आज मैं आपको एक बंगाली चने की दाल बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है, खासकर पुड़ी के साथ या कचौड़ी के साथ। तो मैं आपको रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स बताऊं, उसके पहले मैं आपको बता दूं मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर जिन्होंने किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं फटाफट से, और बहुत जल्दी बन जाती है। ये मैंने ली है चने की दाल उबली हुई, इसमें कुछ नहीं डाला है। नमक और ये जो मसाला देख रहे हैं इसमें दालचीनी, लौंग और इलायची पीस लिया है मैंने, बस रोस्ट भी नहीं किया, कच्चा ही आपको पीस लेना है। हींग, लाल मिर्च खड़ी और हरी मिर्च, तेज पत्ता, धनिया पत्ती, और ये जो मसाला देख रहे हैं इसी में मैंने डाल दिया है हल्दी, अदरक, जीरा और थोड़ी सी धनिया पाउडर। यहाँ पर है नारियल, और ये मसाले जो हम डालेंगे पाँचफोरन कहते हैं, बंगाली लोग इसे बहुत यूज़ करते हैं और काफ़ी हेल्दी होता है, आप भी यूज़ कीजिए और खा के देखिए। पाँचफोरन में डलता है आपका ये मेथी दाना, सौंफ, जीरा, राई और कलौंजी, ये पांच मसाले मिलके पाँचफोरन बनते हैं। यहाँ मैंने सरसों तेल रख दिया है, अब मैं इसे आपको फटाफट बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तेल में सबसे पहले जो नारियल कटे हुए थे उनको डाल दिया है, और अब मैं उन्हें भून के वापस निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, अब मैं यहाँ पे पाँचफोरन डालती हूँ। और इन पाँचफोरन के लिए मैं आपको बता दूँ, पहले हम यहाँ पे दिखा रहे, ये देखिए ये थोड़ी सी मेथी, जीरा और ये सरसों, और इधर हम सौंफ और ये काली मिर्च। अब ये हमारा, ये इसे मिक्स कर देंगे, तो ये समझ लीजिए ये पाँचफोरन जो है हमारा तैयार है। अब यहाँ पर तेल जो गरम हो रहा है इसमें हम ये पाँचफोरन डाल देते हैं, इसे हम रख लेंगे बाद में काम आ जाएगा, इसमें यहाँ डाल देती हूँ। ये हो जाए, इसके साथ ही हमें डाल देना है, होते रहेगा तभी आप डाल दीजिए इसमें ये सूखी मिर्च, हरी मिर्च, तेज पत्ता, ये डाल दीजिए। आपका ये होते ही आपको इसमें वो पेस्ट डालना है जो हमने यहाँ बना रखा था। ये देखिए ये अदरक वाला पेस्ट है, इसमें अदरक है तो मैंने अच्छे से पीस लिया है। आपको एक बार फिर बता दूँ, इसमें अदरक, थोड़ी सी चीनी, हल्दी और जीरा और धनिया पाउडर, ये डाला हुआ है। अब हम ये उस पेस्ट में उसमें डाल देते हैं। ये देखिए तो मैंने इसमें डाल दिया ये पेस्ट, अब हम इसे थोड़ा पका लेते हैं। इसी में हमें डालना है थोड़ी सी हींग। चलिए अब हम इसमें थोड़ी हींग डाल देते हैं, ये देखिए, और वही हमने जो ये पिसा मसाला था ना इसे भी थोड़ा सा डाल देते हैं। इस पिसे गरम मसाले में है आपका इलायची, लौंग और दालचीनी, ये खास गरम मसाला है जो कि बंगालीज की किसी भी डिश में ज़रूर डलता है। अब हम इसमें अपनी दाल डालेंगे। ये देखिए ये मैंने इसमें दाल डाल दिया है, अब हम इसमें अपने नारियल जो हमने भून के रखे हुए थे ये डाल देते हैं। नारियल आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, जब जिन्हें किसी को बहुत पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है और किसी को बिल्कुल ही नहीं, जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उन्हें बिल्कुल कम डालें, और बाकी फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी चीनी, इसलिए हल्का सा नमक, और अब बस अब हमें इसे पका लेना है। इसको पक जाएगी, इसे उतार कर फिर हम इसमें धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। वैसे तो स्वाद और सेहत के लिए धनिया रामबाण है, इसलिए इसे जरूर मैं तो हर चीज में डालती हूँ। बंगालीज का खाना आपको पता है बहुत ही टेस्टी होता है, पर टिपिकल बंगालीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा डालते हैं, इतना मीठा अवॉइड करना चाहिए, मैं तो पसंद नहीं करती और सेहत के लिए भी बहुत नुकसान है। तो बस अभी उबल जाए, थोड़ा सा मीठा कम खाए, बंगाली से भी मेरी प्रार्थना है कि भैया चीनी कम खाए ताकि बीमारियाँ कम हो। खाए ज़रूर क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, और अगर आप नहीं वो करेंगे, चीनी नहीं डालेंगे, तो बंगालियों का जो टिपिकल टेस्ट है वो नहीं आता है। बंगाली खाना बहुत टेस्टी, हेल्दी और इतनी वैरायटी है, जो खाने को समझते हैं, जो खाने से प्यार करते हैं, वो बंगाली खाना ज़रूर खाएंगे, ज़रूर, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा।
हम जो कभी सोच भी नहीं सकते हैं बंगाली ऐसी ऐसी चीजें पका के खा लेते हैं, और बाद में पता चलता है वो बहुत ही हेल्दी भी है। आप बताइए फिर तो उनके खाने से क्या हम बोले कि भाई मीठा खाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा खाते इसलिए मीठे हैं। तो अब ये उबाल आ गया है, थोड़ा सा और इसको हम घुमा लेते हैं अच्छे से उबल जाए, तो उबलने से सारा स्वाद एक दूसरे में आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस अब हमें इसको सर्व करना है, और इसमें आप ऐड कर लीजिए धनिया। ये देखिए ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। आप इसे रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरी।